हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 8 हिंदी चैप्टर 3 के कुछ परीक्षापयोगी प्रश्नों के उत्तर, जिसका शीर्षक है बस की यात्रा। बच्चों, इस चैप्टर का पहला प्रश्न है, मैंने उस कंपनी की हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? इसका आंसर है, बस की हालत बहुत ही खस्ता थी। लेखक के अनुसार उस बस के अंदर बैठना अपने प्राणों का बलिदान देने जैसा था, और उसका हिस्सेदार साहब तो पूरे रास्ते उस बस की तारीफों के पुल बांधते रहे थे। उसकी बातें सुनकर तो उनको ये लग रहा था कि क्या ये नई बस है। जब गिरते पड़ते वो बस चल रही थी तो नाले के ऊपर पुलिया पर उसके खराब हो जाने पर सबके प्राण संकट में पड़ सकते थे। लेखक के अनुसार अगर बस स्पीड पर होती तो पूरी बस नाले में जा गिरती, पर बस का मालिक था कि वो बस की खस्ता हालत में भी उसे चला रहा था, पर उससे यह ना हो सका कि वो बस के टायर ही नहीं लगवा लेता। लेखक को लगा कि हम सबसे महान तो ये हैं जो इसकी ऐसी हालत देखकर भी इस बस से यात्रा करने में तनिक भी घबराए नहीं है। वाकई में ये काबिले तारीफ है कि प्राणों की परवाह ना कर इस पर बैठा है, मतलब और भी पैसेंजर उस पर बैठे थे। तो लेखक का कहना है कि वाकई काबिले तारीफ है कि वो अपने प्राणों की परवाह करे बगैर ही बैठे हैं। तो उसकी उस पर विशेष श्रद्धा जाग गई, मतलब लेखक की उस पर विशेष श्रद्धा जाग गई। सेकंड प्रश्न है, कारण बताएं, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते, लोगों ने यह सलाह क्यों दी? तो इसका आंसर है, लोगों ने लेखक को यह सलाह इसलिए दी क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत बहुत खराब है, बस का कोई भरोसा नहीं है कि यह कब और कहां रुक जाए। शाम बीतते ही रात हो जाती है और रात रास्ते में कहां बितानी पड़ जाए कुछ पता नहीं रहता। उनके अनुसार यह बस डाकिन की तरह है। थर्ड प्रश्न है, कारण बताएं, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगा? इसका आंसर है, जब बस चालक ने इंजन स्टार्ट किया तब सारी बस झनझनाने लगी। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही इंजन है, मानो वो बस के भीतर ना बैठकर इंजन के भीतर बैठे हुए हो। अर्थात इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जों की भांति बस के यात्री हिल रहे थे। फोर प्रश्न है, कारण बताएं, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है, लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? तो इसका आंसर है, बस की वर्तमान स्थिति देखते हुए इस प्रकार का आश्चर्य व्यक्त करना स्वाभाविक था। देखने से लग नहीं रहा था कि बस चलती भी होगी, परंतु जब लेखक ने बस के हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा, चलेगी ही नहीं, अपने आप चलेगी। फाइव प्रश्न है, कारण बताएं, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहे थे? तो इसका आंसर है, बस की जर्जर अवस्था से लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि बस की स्टीयरिंग कहीं भी टूट सकती है तथा ब्रेक फेल हो सकता है। ऐसे में लेखक को डर लग रहा था कहीं उसकी बस किसी पेड़ से टकरा ना जाए। एक पेड़ निकल जाने पर वो दूसरे पेड़ का इंतजार करता था कि बस कहीं इस पेड़ से ना टकरा जाए। यही वजह है कि लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था। सिक्स प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था? इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। इसका आंसर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 यानी 1930 में अंग्रेजी सरकार से असहयोग करने तथा पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया गया था। सेवन क्वेश्चन है,
सविनय अज्ञा का उपयोग व्यंगिकार ने किस रूप में किया है? लिखिए, इसका आंसर है सविनय अज्ञा आंदोलन 1930 में सरकारी आदेशों के पालन ना करने के लिए किया था। इसमें अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग ना करने की भावना थी। लेखक ने सविनय अज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में किया है, वो इस प्रतीकात्मक भाषा के माध्यम से यह बताना चाह रहे हैं कि बस विनय पूर्वक अपने मालिक वो यात्रियों से उसे स्वतंत्र करने का अनुरोध कर रही है। बच्चों, हम इस चैप्टर से संबंधित कुछ हिंदी व्याकरण को जानेंगे। तो इस हिंदी व्याकरण से पहला प्रश्न है, बस वश बस तीन शब्द है। इसे बस सवारी के अर्थ में, वश अधीनता के अर्थ में और बस पर्याप्त यानी काफी के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे बस से चलना होगा, सेकेंड है मेरे वश में नहीं है, थर्ड है अब बस करो। उपयुक्त वाक्यों के समान वश और बस शब्द से दो दो वाक्य बनाइए। तो इसका आंसर है बस। वश से वाक्य बनता है कि आज कल के बच्चों को समझाना सबके वश की बात नहीं है। सेकेंड है वश, इससे वाक्य बनता है कि भगवान की करने मनुष्य के वश में नहीं। फिर थर्ड है बस, बस से वाक्य बनता है बस करो कितना खाओगे। फोर बस है, इससे वाक्य बनता है कि बस करो इतना काफी है। सेकंड प्रश्न है, हम पांच मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। ऊपर दिए गए वाक्यों में ने की से आदि वाक्य के दो शब्दों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं, ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं। इसी तरह दो वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए की का प्रयोग होता है। कहानी में से दोनों प्रकार के 4 वाक्यों को चुनिए। तो इसका आंसर है कारक शब्द से निर्मित वाक्य। तो पहला है, यह समझ में नहीं आता कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। सेकेंड वाक्य, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है। थर्ड वाक्य, ये बस पूजा के योग्य थी। फोर वाक्य, बस कंपनी के एक हिस्सेदारी में उसी बस में जा रहे थे। थर्ड प्रश्न है, हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। चांदनी में रास्ता टटोलकर वो रेंग रही थी। दिए गए वाक्यों में आई, सरकना और रेंगना जैसी क्रियाएं दो प्रकार की गतियां दर्शाती हैं। ऐसी कुछ और क्रिया एकत्र कीजिए जो गति के लिए प्रयुक्त होती है, जैसे घूमना इत्यादि, उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इसका आंसर है टहलना। दादाजी को टहलना अच्छा लगता है। चलना, इसे वाक्य बनता है, चलना सेहत के लिए बहुत लाभदायक है। फोर प्रश्न है, कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। इस वाक्य में बच शब्द को दो तरह से प्रयोग किया गया, एक शेष के अर्थ में और दूसरा सुरक्षा के अर्थ में। नीचे दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके देखिए, ध्यान रहे एक ही शब्द वाक्य में दो बार आना चाहिए और शब्दों के अर्थ में कुछ बदलाव होना चाहिए। तो शब्द है क जल, सेकेंड है ख हार। तो इसे आंसर बनता है क जल। जल से वाक्य बनता है मीना गर्म जल से बुरी तरह जल गई थी। ख है मतलब सेकेंड है ख हार। तो हार से वाक्य बनता है, ये प्रतियोगिता के इस पड़ाव में जिसकी जीत होगी उसे मोतियों का हार मिलेगा और जिसकी हार होगी वो प्रतियोगिता के बाहर हो जाएगा। फाइव प्रश्न है, बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास में दो शब्द है, फर्स्ट और सेकेंड शब्द है क्लास। ये क्लास का विशेषण है फर्स्ट, चूंकि फर्स्ट संख्या है। फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। महान आदमी में किसी आदमी की विशेषता है महान, ये गुणवाचक विशेषण है। तो संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के दो दो उदाहरण खोजकर आप लिखिए। तो इससे आंसर बनता है संख्यावाचक विशेषण है, इस मतलब संख्यावाचक विशेषण का एग्जाम्पल है 4, 8, 10 और गुणवाचक विशेषण का एग्जाम्पल है चांदनी रात, समझदार आदमी। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें।
या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।